है, क्या कहना चाहते हैं? अभी अभी एक मिनट बाबा, एक मिनट। जन्माष्टमी के पर्व पर मेरे तरफ से सभी हमारे प्रदेशवासियों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई। भगवान श्री कृष्ण के दिखाए हुए रास्ते पे हम लोग सब चलें। कल दौरे के बाद स्वयं घर आकर पूजन करने का सौभाग्य मुझे मिला और जीवन में मोक्ष प्राप्ति के लिए सदैव अच्छे कर्म हों, यही सीख हमें मिलती है, उसी के आधार पर हम अपना जीवन यापन कर पाएं। सर, कमलनाथ जी सर G20 के लिए विदेशी मेहमान भारत आ रहे हैं, G20, तो आपका प्रश्न क्या है? आप स्वयं देख रहे हैं कि G20 की तैयारियां केवल 8, 9 और 10 तारीख तक सीमित नहीं रही हैं। यह पूरा वर्ष भारत की अध्यक्षता, G20 की अध्यक्षता का वर्ष रहा है और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं एक एक कार्यक्रम में रुचि लेकर, जो पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम भारत में केवल राजधानी मुंबई और 2-3 और शहरों तक सीमित होती थी, 52 शहरों में इस बार कार्यक्रम हुए, जिस पर हमें बहुत गर्व है। उन 52 शहरों में ग्वालियर भी शामिल है। B20 का कार्यक्रम पिछले हफ्ते हमने ग्वालियर में ही आयोजित किया था और अब इसकी अंतिम श्रेणी तक हम लोग पहुंच चुके हैं, जहां विश्व के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री आखिरी 3 दिवसीय बैठकों के लिए भारत में उपस्थित होंगे। अमेरिका से लेकर, फ्रांस से लेकर, यूके से लेकर एक एक देश, ब्राज़ील हो, इंडोनेशिया हो, सभी के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आज भारत आने वाले हैं 7 की रात को, और कल से कार्यक्रम शुरू होगा। हमारा मंडपम, एग्जीबिशन हॉल और मीटिंग सेंटर भी पूर्ण रूप से सजा धजा हुआ है, पूर्ण दिल्ली सजी हुई है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय नेतागण अतिथि देव भव की विचारधारा के देश में स्वयं उनका आगमन हो रहा है और भारत की जनता इसे पर्व के रूप में मनाएगी और वही एक अमीट छाप देश विदेश के नेताओं के दिमाग में केवल नहीं लेकिन उनके दिल और मन में भी एक अमीट छाप भारत की जनता जरूर छोड़ेगी। सर, एक सवाल है, इंडिया गठबंधन सनातन, अब हो गया भैया, भारत के नाम से आपत्ति होने लगी। इंडिया गठबंधन जिस तरीके से सनातन धर्म पर टीका टिप्पणी कर रही है, जिस तरीके से अनुचित, और जितनी भी हम निंदा करें वो कम होगा, उनका कहना है कि सनातन धर्म का विनाश होना चाहिए, सनातन धर्म पूर्ण रूप से नष्ट हो जाना चाहिए। यही है इंडिया गठबंधन का असली चेहरा, जो मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता के समक्ष मैं रखना चाहता हूं। ये एक गुट 28 दलों की देश के को विनाश के पथ पे ले जाने के लिए, सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए, भ्रष्टाचार व्यापक करने के लिए, तुष्टीकरण व्यापक करने के लिए, यही इनका असली चेहरा है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत 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 धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।